भावने भो वैष्णवे भो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पदों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सतीर्थ वृंद समस्त सन्यासी वृंद भूर्गत सज्जन वृंद एवं हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथाथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बहुत हर्ष और उल्लास की बात है, हम लोग श्री गुरुदेव की जन्म शतवार्षिकी उत्सव विभिन्न जगह में विभिन्न स्थानों में हम लोग उत्सव मना रहे हैं एवं गुरुदेव की अपार महिमा वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे हैं, जिससे चैतन्य महाप्रभु भी कहा पृथ्वी ते अछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु जगत में यही भविष्यवाणी की, एक दिन मेरा नाम जो है, मेरे कथा जो है, मेरे गुणगान जो है, पृथ्वी में सर्वत्र ही विघोषित होंगे। सभी लोग एकत्रित होकर के हरि नाम संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर भी एक भविष्यवाणी की, भविष्य भक्ति विनोद ठाकुर अपने आत्म जीवन कहानी में बायोग्राफी में लिखा है जो मैं देख रहा हूँ दिव्य नेत्र से गोलो वृंदावन धाम से महाप्रभु की अनेक जो परिकर इस धराधाम में आ रहे हैं और सर्वत्र जो है समस्त शुद्ध वैष्णव धारा को जगत में प्रचार करेंगे। केवल 400 साल के अंदर ही उन्होंने जो शब्द दिया गया जी सर्वत्र ही एकमात्र महाप्रभु के आचारित प्रचारित नाम संकीर्तन सभी लोग करेंगे। यह भी लिखा है ये सफेद लोग और काले लोग ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय सभी जात पात सब कुछ भूल करके एक दूसरे के आलिंगन करते हुए प्रेम में सरोवर हो जाएंगे और डूबेंगे। सभी लोग हाथ उठा करके महाप्रभु के आचारित प्रचारित नाम प्रचार करेंगे और महाप्रभु जो प्रेम देने के लिए आए थे वो प्रेम सभी प्राप्त करेंगे केवल नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस कलियुग में और कोई उपाय नहीं है, साधन नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए,
एकमात्र साधन कहा गया नाम संकीर्तन। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं गौड़ीय वैष्णव के आचार्य, सभी लोगों ने नाम संकीर्तन के महिमा जगत में प्रचार किया। उसी कड़ी में श्रील गुरुदेव श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त आचार्य लोग देश विदेश में सर्वत्र महाप्रभु के वाणी प्रचार कर रहे हैं। ये महाप्रभु जो वस्तु देने के लिए आए थे वो धारा अभी तक चलते रहे। भक्ति विनोद धारा जलसंघता निरवधि वहता रोध गति नहिया। भक्ति विनोद की धारा जो है वो भक्ति विनोद की धारा ये चलते रहेगी। सभी लोग महाप्रभु के शुद्ध विचार, वो शुद्ध विचार में सभी लोग स्नात होंगे, डूब जाएंगे। क्योंकि आउल बाउल करता भजा जात गोसाई, ये समस्त 13 जो अपसंप्रदाय महाप्रभु के विचारधारा को पुलसित करते जा रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं, वह विचारधारा को पुनः जागृत करने के लिए महाप्रभु के गण पुनः पुनः इस जगत में आ रहे हैं। यह तो भी कहते हैं जब तक जिनके हृदय में मायावाद दोष रहेगा, मैंने अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूं सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि, ये विचार जब तक रहेगा तब तक शुद्ध विचार में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्य लोग चारी संप्रदाय के सभी आचार्यों ने एक ही ताकत लगाया जे ये अद्वैतवाद को यानी मायावाद को जो है खंडित विखंडित करके पुनः महाप्रभु की शुद्ध भक्ति की प्रचार करना, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद शुद्ध भक्ति की जो डेफिनेशन दिया गया अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्मद्रवृतं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिर उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति भक्ति हमारे पूर्व आचार्य लोग सभी ने प्रचार किया। वही आचार प्रचार करें जो स्वयं आज आचारवान होकर के ही प्रचार करते हैं। इसलिए कहते हैं आचार्यवान पुरुष वेद, आचारवान पुरुष ही वह वेद स्वरूप है, साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है। हमारे जिससे हमारे गुरुपाद पद्म श्रील वामन गोस्वामी महाराज किस प्रकार अपने गुरुदेव की सेवा की, जैसे अभी अभी वक्ताओं ने बताया जी श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज केवल 8 और 9 साल के थे, तो भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद के चरण कमल में शरणागति हुई और नवद्वीप परिक्रमा के पश्चात उनके माता जी ने कही जो परिक्रमा समाप्त हो गया हम लोग घर लौट करके जाए, किंतु श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज उनके नाम था उस समय संतोष ब्रह्मचारी, पहले गुरुदेव जब प्रभुपाद ने जब हरि नाम दिया उनके नाम रखा सज्जन सेवक ब्रह्मचारी संतोष। संतोष कहने लगे देखो मैं अपने नित्य घर में आ गया, वास्तव जीवों के घर कहां पर है हमें पता नहीं है, किंतु गुरुदेव ने कहा हम जब अपने घर में आ गया फिर दूसरे घर में क्यों जाऊं, अपने माता पिता को मैं प्राप्त कर लिया यानी प्रभुपाद के चरण आश्रय करके, उन्होंने कहने लगे मैं अपना ही माता पिता को प्राप्त कर लिया और कहीं जाना है। इसलिए चैतन्य चरितम चैतन्य भागवत में भी कहते हैं सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता, वही मेरा माता पिता है, वही मेरा सब कुछ है जो मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। मेरे गुरुदेव इतने प्रभुपाद के चरण में शरणागति थे, यहां तक भी मैंने गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया कैसे गुरु सेवा करते थे। उस समय गौड़ मठ की यानी मायापुर की जो मठ जो है उस मठ की मुख्य जो सेवक थे उसके नाम था
जिसके कहा जाता है गौड़ीय मठ की माँ कहा जाता है, नरहरी सेवा विग्रह प्रभु, नरहरी प्रभु के अनुगत्य में कैसे सेवा आदि करते थे। एक दिन की कथा, छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये देखो कैसे अपराधित ये भक्तेर बोझा भगवान पर, अर्थात जो भक्त होते शुद्ध भक्त होते हैं स्वयं भगवान उसके सब कुछ अपने सिर पर लेकर के चलते, जिसे गीता में कहते हैं अनन्य चिंतन मांग जे जना पर जुपास होते तेसा नित्ता भी जुपता नाम योगक्षेम बहम मांग। हमारे गुरुदेव के ये विशेष रूप में देखा गया, स्वयं गुरुदेव कहते थे जब हम लोग गुरुदेव की चरण कमल में बैठ जाते थे देवानंद गौड़ीय मठ में, कठाल पेड़ के नीचे गुरुदेव एक चियार में बैठते थे और हम सभी लोग जो है ब्रह्मचारी जो है उनके चारी तरफ घेर करके बैठ जाते थे। उस समय गुरुदेव ये समस्त कथा सुनाते थे, ये देखो ये गुरुदेव कहने ले जाओ मायापुर में मैं रहा छोटा था, और प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, यहाँ पर प्रभुपाद कहने से आप सदा सर्वदा याद रखे भक्ति सिद्धांत सुरा सरस्वती प्रभुपाद, क्योंकि लोग प्रभुपाद कहने के साथ ही साथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की इंडिकेट करते हैं, कोई बात नहीं है, किंतु हम जो कह रहे हैं ये कहते हैं देखो प्रभुपाद ने मुझे भक्ति इंस्टीट्यूशन में मुझे भर्ती कराया और मैं नित्य प्रति स्कूल जाता था। एक दिन बारघनाघोर झमाझम बारिश होने लगी तो नरहरी प्रभु कहने लगे देखो आज बारिश हो रही आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, और उनके साथ हमारे गुरुदेव एक बांध को भी काट रहे थे। ठीक इसी समय की बात है, गुरुदेव कह रहे थे हमारे गुरुदेव की जो रसोई के सब्जी काटते थे ना इतने सुंदर रूप में काटते थे, बोले रसोई वही ठीक बना सकते हैं जो उसके ठीक ठीक से काट सकते हैं, जिसका अमरण कहते हैं ना काट सकते हैं, हमारे गुरुदेव इतने सूक्ष्म रूप में काट रहे थे और इतने, और उन्होंने किया कि पर स्कूल जाना नहीं है, नरहरी प्रभु ने कहा था स्कूल जाना नहीं है, इसलिए उन्होंने किया कि अपने गमछा पहन करके सारे कपड़े के जो है धो दिया। उस समय इतने वस्त्र नहीं दिया जाता, ब्रह्मा जी के केवल एक ही वस्त्र दिया जाता था, तो ये वस्त्र जो है कुर्ता और धोती जो है धो दिया और केवल गमछा पहन करके वो सब्जी काट रहे थे। इतने समय प्रभुपाद आए, प्रभुपाद कहने लगे क्या सज्जन से आज स्कूल में जाना नहीं है। हमारे प्रभुपाद हमारे गुरुदेव जो है बहुत नाजुक थे, बात नहीं करते थे, क्या बोलते हैं शर्मिला नहीं चाहते हैं, बहुत साइनिस्ट। और उसमें नरहरी प्रभु ने कहा दिया ये आज तो बारिश हो रहा है और विशेष करके कपड़ा धो दिया इसे स्कूल नहीं जाएंगे। प्रभुपाद ने इतना ही कहा दिया देखो स्कूल बंद करना नहीं चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, इतना ही कहा कि प्रभुपाद अपने भजन कक्ष में चले गए। देखो हमारे चले गुरुदेव विचार करने लगे, गुरु आज्ञा झ विचारणीय, गुरुदेव के आदेश में पालन करना है, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु के इच्छा क्या है, गुरु की आज इच्छा है मैं स्कूल में जाऊं। विचार करने लगे गुरुदेव, विचार करने लगे मैं क्या करूं। देखो गुरुदेव कहने लगे प्रभुपाद ने मुझे ये निश्चल मंत्र दिया था और गुरुदेव ने किया कि निश्चल मंत्र जप किया और जप करने के बाद अपने कक्ष में गए, देखा उनके धोती और टी शर्ट और कपड़ा है? देखा बिल्कुल मानो किसी ने वो करके प्रेस करके रख गए, बिल्कुल सूख गए और उन्होंने स्कूल चले गए। इसके बाद 3 बजे के बाद प्रभुपाद नरहरी सेवा गुरु के पूछा ये सज्जन सेवक कहाँ गए, बोले स्कूल चले गए, बोले तुमने तो बताया उन्होंने कपड़ा धो दिया तो कैसे आज बारिश हो रही है कैसे सूख गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। 4 बजे स्कूल छुट्टी होने के बाद जब गुरुदेव आए, प्रभुपाद ने सज्जन सेवक ब्रह्मचारी के बुलाया, अरे तुम स्कूल कैसे चले गए, क्या भीगे कपड़े में जाना नहीं चाहिए, बीमार पड़ जाओगे। तो उस समय गुरुदेव ने कहा ये आपने जो मुझे निश्चय मंत्र दिया था उस निश्चय मंत्र में जप करके बस इतना ही मैं स्मरण किया, हे निश्चय देव मुझे प्रभुपाद के आदेश मैं कैसे पालन करूं।
और इतना ही मैं कह करके जब अपने कक्ष में गया, देखा कि कपड़ा सुखी कपड़ा और बिल्कुल कृष्ण प्रेस करके रखे। देखो उस समय मेरे गुरुदेव कहने लगे, ये मैंने जब ये कथा सुनाया प्रभुपाद की, प्रभुपाद के आंखों से आंसू आ गया और प्रभुपाद सिर्फ केवल इतने ही बोलने लगे, ये नृसिंहदेव कैसे भक्त वात्सल है। बोलो भक्त वात्सल से भगवान नृसिंहदेव की। मेरे कहने की तात्पर्य है गुरु आज्ञा जप जारी, किसी भी परिस्थिति में जीवन में कई संकट भी आ जाए, गुरु जी के वाक्य गुरु जी के आदेश और भगवान के प्रति विश्वास। इसलिए कहते हैं गुरु वाक्य गुरु के विश्वास जहर, गुरु पादों की वचन पर जिस पे विश्वास रहते हैं वो अति अवश्य ही अपने स्थान पर यानी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे गुरुदेव की अपार अनेकों अलौकिक कथाएं तक भी गुरुदेव भूत पिशाचिनी की भी कथा सुनाते थे, लोग सुनकर के हंसते हैं। सभा में जब ये कथा भी कहा जाता है लोग हंसते रहते हैं, भूत पिशाच के शादी भी करा दिया। हमारे गुरुदेव कहते हैं मैं साक्षात रूप में कितने भूत भूतनी और भूत को मैंने शादी कराया और उनके सभी को उद्धार कर दिया। समय संक्षेप है इसलिए उस कथा तरफ नहीं जा रहे, किंतु हमारे गुरुदेव की ऐसे अलौकिक अपराकित क्षमता था। जैसे जैसे आपने श्रवण किया, मैंने साक्षात गुरुदेव के एक बार मैंने प्रश्न किया, गुरुदेव आपके कितने श्लोक आपके याद है, जैसे अभी पूर्वोक्ति वक्ता ने भी बताया, किसने बताया ये गुरुदेव के कहा जाता है गौड़ी और डिक्शनरी कहा जाता है, किसी श्लोक याद नहीं है किसी के, बस कोटेशन करना है जब कोई प्रबंध लिख रहे हैं तो श्लोक की पहली लाइन व किसी शब्द के बोल गुरुदेव कह देते थे। देखो गुरुदेव के पूछा जाए गुरुदेव कहते देखो इस एडिशन तक बता देंगे और पेज नंबर तक भी बता देते थे, ये ब्रह्मपुर एडिशन पेज नंबर इतने तक कह दे श्लोक नंबर। ऐसे हमारे गुरुदेव के जो है स्मरण शक्ति धी शक्ति ऐसे ही था। और प्रभुपाद थे, प्रभुपाद ये कैसे अक्लांत तो सेवा आदि करते थे, क्योंकि सेवा ही हमारे जीवन है। भक्ति की यदि डेफिनेशन हम लोग सुने वास्तव भक्ति क्या है, भजते सेवते इति भक्ति, भक्ति और कुछ नहीं है, साक्षात रूप में गुरु वैष्णव भगवान की सेवा ही भक्ति है। इस सेवा के द्वारा ही भगवान के हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहते हैं सभी लोगों ने गुरुदेव की सेवा की, कैसे अक्लांत सेवा की। ये नहीं है हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, बोले गुरुदेव मैं नामे आची, नामे आची समझ में आता है बंगला शब्द है। एक शिष्य एक गुरु कहने लगे ये देखो बेटा मैं 90 साल के हो गया आज मेरा बुखार चढ़ गया, 90 साल के 90-95 के साल हो गया मेरे बुखार चढ़ गया, तो एक काम कर ठाकुर जी किताब मंगला आदि कर दे। कहने लगे गुरुदेव आपने काल तो प्रवचन में कहा दिया ये कलिजुग में और कुछ करना ही नहीं है, कलिजुग में केवल हरि नाम हरे नाम हरे नम हरे नम हरे नाम ही के बोलो, कलिजुग में नाम तो करना है। इसलिए कहते गुरुदेव मैं नामे आची माने मैं नाम कर रहा हूँ, नाम तो करता ही नहीं है, दरवाजा बंद कर देते हैं अपने पैर के टांग के ऊपर उठा देते हैं ऐसे लेट जाते हैं और हरे कृष्ण जप करते हैं, कोई आ जाता है सो जाते हैं, कोई आ जाता है दरवाजा ठक ठकाते हैं तब कहें माला दे करके हरे कृष्ण किस 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 कर देते हैं। इसको कहते हैं मैं नामे आची। अच्छा गुरुदेव ने देखा तो शिष्य तो सुनता ही नहीं है, इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहते थे भाई मैं गुरुदेव की बात, गुरु कहते हैं गुरुदेव कहते हैं कली जुगे गुरु में मेला भार है न, क्या कली जुगे शिष्य मेला धार है, क्या बांग्ला एक शब्द बोलते थे गुरु मिले लाख लाख शिष्य मेला भार, शिष्य शिष्य मिले लाख लाख गुरु मेला भार। तात्पर्य यह है कली युग में हो सकता है सदगुरु मिले जाए किंतु शिष्य प्राप्ति करना बहुत कठिन होता है, और शिष्य भी मिल जाए और सदगुरु भी प्राप्ति भी बहुत कठिन होता है। चलो गुरुदेव ने देखा तो हमारे शिष्य मान नहीं मानने बोले नामे आची, गुरुदेव ने कहा कि 90 साल के है किसी प्रकार से बुखार होते हुए भी उन्होंने कहा कि अर्चन कर लिया आरती कर ली, आरती के बाद
कहने लगे बेटा ये काम कर, तू ठाकुर जी के जो है थोड़ा अर्चन कर ले। बोले नामी आची, माने नाम कर रहा हूँ। गुरुदेव ने अर्चन किया, फिर दोपहर हो गया, गुरुदेव ने कहा अरे बेटा थोड़ा ठाकुर जी के तो थोड़ा चावल दाल कुछ बना कर दे, भोग तो लगा दे। बोले गुरुदेव नामी आची। तो गुरुदेव ने क्या की, स्वयं जो है ठाकुर जी के भोग बनाया, चावल दाल सब्जी थोड़ी बनाया, पर तू भोग लगा दे। आरती के समय 12 बज गया, अभी सबके पेट में अभी चूहा कूद रहे हैं ना, है भूख तो लग रहे हैं, अभी एक भक्ति जा रहे हैं है। तो कहने कर ले गुरुदेव मैं नामे आची। गुरुदेव ने क्या की, किसी प्रकार के भोग लगाया, आरती किया। आरती करने के बाद गुरुदेव कहने देखो मेरा बुखार जो है वो अधिक चढ़ गया, मैं जा रहा हूँ विश्राम के लिए, तो ये काम करना, ये ठाकुर जी के प्रसाद तू पा लेना। करे हाँ गुरुदेव, सुबह से लेकर के अभी तक मैंने आपके एक आदेश भी पालन नहीं किया, ये आदेश तो मैं जरूर पालन करूंगा। नहीं तो अपराध हो जाएगा, नहीं तो अपराध हो जाएगा महा महाराज जी। अच्छा बताओ, इसलिए कहा जाता है वास्तव रूप में जो है गुरु सेवक किसको कहा जाता है, जो गुरुदेव कहते थे गुरु के सेवा करने के लिए अपने सिर को जो है देना पड़ा। जैसे कहा जाता है उद्दालक और उपमन्नु और आरुणिक, इनके नाम आता है, और भी उसके जो अनेक जो गुरु के सेवक कैसे कैसे सेवक है। ये तो देखो माधवेंद्रपुरी बाद के सेवक में आ जाए, माधवेंद्रवाद के दो सेवक के बारे में चैतन्य चैतामृत में आ रहे, एक होता है ईश्वरपुरी बाद और दूसरी है रामचंद्रपुरी। किंतु रामचंद्रपुरी के मानो माधवेंद्रपुरी बाद तय ही दे दिया, उसने कहने लगे आप ब्रह्म ब्रह्म, आप तो ब्रह्म हो, आप क्यों रो रहे हो। उस समय माधवेंद्रपुरी बाद कहने तुरे देख ले हमार हवे अधोगति है, कहां मैं जीव हूं। दैन करके कहने लगे जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है, तू ऐसे करो जा तेरा मुक्त तो में देखना। वो निंदा करने वाले थे, केवल एक नहीं है, महाप्रभु निंदा करने, गुरु निंदा तो करते थे। ये देखो छेद होता है ना, छोटी सी सुई से एक जगह में छेद शुरू कर दो, देखो सुई छेद करते करते उसके अंदर में एक हाथी भी निकल जाता है। तात्पर्य क्या है, वैष्णव अपराध करते करते गुरु अपराध, गुरु अपराध करते करते भगवत अपराध, और अंत में नरक गति हो जाता है। इसलिए माधवेंद्रपुरी बाद रामचंद्रपुरी को त्याग दे दिया, और उनके और एक सेवक देखो ईश्वरपुरी बाद माधवेंद्रपुरी बाद जब में भाव में विवाहित हो जाते थे, और विशेष करके राधा जी के भाव में विवाहित जानी, वो विप्रलंब भाव उसके विरह में, उसमें कैसे तन्मय हो करके रोते रोते ये समस्त श्लोक उच्चारण करते, वही दीनो दयानाथ मथुरानाथ कौदव लोक, और उस समय कभी कभी उनके कंठ रुक जाते थे, और उस समय ईश्वरपुरी पाद अनेक श्लोक उनकी सुनाते थे हैं। और नहीं केवल ये सेवा, और की क्या करते थे, उनके मलमूत्र आदि भी साफ करते थे। इसलिए उस दिन कह रहे ना देखो गुरु के दो प्रकार की सेवा है, एक होता है क्या वाणी सेवा, और एक होता है भोपू सेवा। कोई सेवा कमी नहीं है, हम लोग कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, किंतु ये बात सत्य नहीं है। हम कहते हैं वाणी सेवा श्रेष्ठ हो जाता है, कोई कहते हैं भोपू सेवा श्रेष्ठ है, किंतु वास्तव रूप में यदि हम विचार करें, प्रभुपाद की जो विचार हम यदि लें, दोनों जुगल सेवा ही एक ही तात्पर्य है। गोपियां वाणी सेवा करती कि नहीं करती थी, क्या गोपियां वाणी सेवा करती थी। कृष्ण के देखो ऐसे अनेक जो है रहस्य आदि लीला आदि कथा सुनाते थे, हंसी मजाक करते थे, एक एक श्लोक के करते थे, जिससे कृष्ण स्वयं ही पराजित हो जाते, ये वाणी सेवा है। समय संक्षेप है, ये भी कथा भी सुंदर है। और बपू सेवा, गोपियां बपू सेवा भी करती थी कृष्ण की, कैसे बपू सेवा, कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर पकवान आदि बना कर। देखो ये जो गोपियां ना माताएं में ये सेवा की प्राधान्य देखा जाता है। एक आपके घर में एक बेटा है एक बेटी है, वास्तव में देखिए बेटा क्या करेगी, अपने बहन के कहेंगे मेरे लिए एक ग्लास पानी लेगा, किंतु हम कभी नहीं देखा बहन कभी अपने भाई के नहीं कहेगी तू मेरे लिए एक ग्लास पानी लिया, किंतु माता में सेवा की वृत्ति है।
मैं कुछ कहा था ना, बोले आप स्त्रियों के पक्ष ले लेते हो, किंतु वास्तव में सत्य नहीं है, सत्य ही सत्य है, किंतु भाव की यह प्रकाश माताओं में जो है, जो सेवा की जो वृत्ति है वो पुरुष में नहीं है, ये बात सत्य है। यद्यपि मैं ये जड़ी उदाहरण दे रहा हूं, उसी प्रकार गोपियों की जो सेवा, वो के भूप सेवा और वाणी सेवा है, ये दोनों ही विद्यमान है। उसी प्रकार हमारे आचार्यवाद की सेवा कैसे है, इतने सुंदर हमारे गुरुपाद पद्म श्री गुरुदेव नारायण कृष्ण त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जन्म शताब्दी हम मान रहे हैं, समय हम करें कि तो हमारे ज्ञात बहुत खुजलाते रहते हैं, देखो जब हम नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, एक सेकंड ले लेते, ज्यादा समय नहीं लेता हूं, जब हम नवद्वीप परिक्रमा जाते हैं, नवद्वीप परिक्रमा करते करते जब हम समुद्रगढ़ में पहुंचते हैं, अभी सभी लोग आप नवद्वीप परिक्रमा में पधारिए, आइए और हम लोग वहीं पर चलेंगे। गुरुदेव के समय हम देखा श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज श्री नारायण गोस्वामी महाराज वहीं पर जब बैठते थे, वहीं पर कैसे सुंदर एक माहौल बन जाता था, वो एक अपूर्व था वो है। हम इसलिए कहते हैं उतने के वहां से मजाक की बात नहीं है, पात्र तत्व से सिद्धांत के द्वारा कैसे सुंदर वो समस्त करते थे श्री गुरुदेव श्री वामन श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इसके पक्ष लेते थे, क्या बोले राजा समुद्र सैनिक के पक्ष लेते थे, हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज भीमसेन के पक्ष लेते थे, कि वहां पर जो कथा जो प्रसंग है भीमसेन और समुद्र सैन के विजय की कथा है, युद्ध विग्रह विग्रह की कथा है, और देखो दोनों त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और नारायण गोस्वामी महाराज की कितने सुंदर ये समस्त विचार चलते थे है? और उस समय अंत में त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज पराजित हो जाते थे और हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज विजय प्राप्त करते, सभी लोग ताली बजाते थे, तब उस समय नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे त्रिविक्रम कहते नहीं है हम जीत गया, बोलो उस समय हमारे गुरुदेव कहते देखो राधा जी और कृष्ण में क्या हुई, कुश्ती हुई, कथा सुना देते बंद कर देते, कुश्ती हुई दंगल हुई, और उस दंगल में क्या हुई कुश्ती होते हुए कृष्ण ने क्या गिर गए और राधा जी उसके ऊपर चढ़ गए, उसके दूर दंगल देखा ना आपने, ऐसे दो भुजाओं के राधा जी कम नहीं है, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमय श्रीमती राधिका कृष्ण के दो भुजाओं के जय अपने करके और पैर के द्वारा कृष्ण के दोनों पैर को ऐसे दिया दंगल में ऐसे, और कहते तुम पराजित हो गया, कृष्ण कहने लगे मैं कहां से छूट गया, बोले देखो किसके नाक ऊपर है, हम कहते ना नाक किसके ऊपर है, कृष्ण कहते मेरे नाक ऊपर, मैं कृष्ण लेट गया ना, ये कहते मेरे नाक ऊपर है इसलिए मैं जय हो गया, कहते नहीं। इसी प्रकार हमारे श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी इस मतलब प्रेम कंदुर कहते हैं, प्रमर प्रेम कंदुर, दैट इज कॉल्ड लविंग क्वर, ऐसे से तत्व सिद्धांत वहीं पर प्रकाशित होते थे और कैसे कैसे कथा आदि बोलते थे। आज उनकी जन्म शतवार्ष की इस समस्त लीलाओं कथा स्मरण हो रहा है, भक्त लोग सभी आप लोगों के निकट परिवेशन कर रहे हैं, कैसे सुंदर पत्तल दे रहे और कैसे सुंदर खीर पूरी मलपुआ जानी गुरुपाद की अपराजित जीवन करी कथा स्मरण करा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं अपने वचन को जो है विराम देता हूँ, आप लोग सभी कृपा करें गुरुदेव की ऐसी महिमा सर्वत्र प्रचार हो, वंशा कृपा सिंधु पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमः।